रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड. कोई भी ऐसी चीज़ के जो आपने ज़िंदगी में शुरू की और आज आप उसको छोड़ चुके हैं, चाहे वो कोई आपका शौक हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो राइडिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा शौक हो जो आपने बड़ी शौक में आके, चाहे वो जिम ज्वाइन करना हो, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, मेहंदी लगाना हो, कोई डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपने बड़े शौक से किसी से इंस्पायर होके या फिर अपने जहन में सोच के कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और आपने उस काम को शुरू किया और उसके बाद अब आपने छोड़ दिया है. सो रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, आपने शुरू क्यों किया था. अगर आप किसी भी काम को करके छोड़ चुके हैं तो अब आपको उसको दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है. हो सकता है कि एक वक्त होता था कि आप जो है बड़ा फिट एंड स्मार्ट रहते थे, आप रनिंग करते थे, सुबह सुबह वॉक करते थे, पैदल चलते थे, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करते थे, गहरी गहरी सांसें लेते थे, उसके बाद जो है दोबारा से रनिंग करने भाग जाते थे, फिर वॉक करते थे, अपने हिसाब से जो है आप चलते थे, आपकी एक कैलकुलेशन थी अपनी लाइफ को लेकर चलने की. लेकिन अब आप देखते हैं कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए, या शादी नहीं भी हुई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है. सो रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड. कोशिश करें उस चीज़ को याद करें कि आपने वो काम क्यों शुरू किया था, और जब ऑफ कोर्स वो आपको याद आ जाएगी वो चीज़, तो दोबारा उस काम की लगन में मगन हो जाइए. बिकॉज हमें आगे बढ़ने के लिए स्टॉप नहीं होना है, ठीक है, हमें उस चीज़ को क्विट नहीं करना है. इफ़ यू आर टायर्ड सो टेक अ रेस्ट, आप आराम कीजिए. अगर थक गए ज़िंदगी से लड़ते लड़ते और मेहनत करते करते, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बट डू नॉट क्विट इट. लेकिन उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज छोड़ना किसी भी चीज़ को बीच में अधूरा करके, चाहे वो कोई आपका कोई पैशन था, आपका कोई कोर्स था जो आप कर रहे थे, और फिर आपको लगा कि आपने बीच में उसको छोड़ दिया. जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपने बड़ी पैशनेट होकर स्टार्ट की और उसके बाद अब आपने उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया, चाहे वो आपकी तालीम हो, पढ़ाई हो, आगे बढ़ने का कोई ख्वाब हो, अब्रॉड जाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है. लेकिन किसी की भी बेवफाई की वजह से, हालात की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से यू क्विट इट. सो प्लीज़ रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, दोबारा से याद कीजिए कि आपने इसको क्यों शुरू किया था, और जब याद आ जाए तो फिर पिछली जो बातें हो सकें, हो चुकी, उनको छोड़ दीजिए, मूव ऑन, बिकॉज लाइफ इज़ अ नेम ऑफ मूविंग ऑन, और उसके बाद आगे बढ़ जाइए. बिकॉज आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ेंगे तो ज़िंदगी में दूसरे लोगों को आपसे मोटिवेशन कैसे मिलेगी, है ना. तो कुछ भी करना चाहते हैं तो पिछली बातों को गो एंड गॉन करें, दो काने यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दें, ठीक है, और ये सोचें कि व्हाई यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट किस बात पे किया था, किसी से इंस्पायर होके किया था, किसी को देख के कोई काम शुरू किया था और अब आपका दिल नहीं चाहता, तो मेरे कहने पर उसको स्टार्ट करें. कुछ कभी कभी चीज़ों के लिए ठहरना पड़ता है हमें, फिर उसके बाद दोबारा से हमारे अंदर एनर्जी आती है, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, आप क्रिकेट टीम में देखते होंगे, और उसके बाद दोबारा से वो शुरू हो जाते हैं, है ना, होते कि नहीं होते. तो इसी तरीके से अभी जैसे विंटर सीज़न है, थोड़े ही अरसे बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर दोबारा से स्कूल्स खुल जाएंगे, है ना. तो एक रूटीन का हिस्सा है, एक लाइफ प्रोसेस है, एक नेचुरल चीज़ है कि दोबारा से जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं. तो अपनी लाइफ को दोबारा से समझें कि ये मेरा एक नया स्टार्ट है, ठीक है, ये आपकी एक नई ज़िंदगी है जिसको आपने दोबारा से लेके चलना है. सो रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, और उसके बाद उस चीज़ में जो आपने बीच में छोड़ दी थी उसको दोबारा से आके लेके चलें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी. इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.